और इनका जिंदगी का मसला है, मेरा और कोई औलाद भी नहीं है, ये सर मेरी ये बच्चे हैं दोनों। मैं स्पीकर साहब के, राजा परवेज अशरफ साहब के पास, स्पीकर साहब के चैम्बर में ये बच्चे लेकर गया हूँ दोनों, तकरीबन 2 महीने पहले। तो मैं वजीर आजम साहब से लेकर के मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं उन तक भी मेरी अपील है कि वो भी हमारी किसी तरीके से मेरी फरियाद वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ तक पहुँचा दें। सर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर, आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन इस टाइम मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ पर मंसिरा से एक भाई आए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि इस जो बच्चा आप देख रहे हैं, खालिद नाम है इसका, और इसकी एज तकरीबन 18 साल के करीब है, इसकी जो है ना ग्रोथ रुकी हुई है। इसी के साथ ये छोटी बच्ची जो है ना शमा हमारे साथ बैठी हुई है, जिनकी एज तकरीबन कितनी है भाई, 16 साल है, इनकी ग्रोथ रुकी हुई है। इनके कुछ मुतालबात हैं हुकूमत से और जो भी मुखय्यर हज़रात हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं जनाब? मानसेरा से आई हूँ, मेरा ताल्लुक ज़िला मानसेरा से, ये दोनों मेरे बच्चे हैं सर। तो इनको ऐसी बीमारी है सर कि मैं बहुत से जगह पर गया हूँ और लेकिन इनका मुकम्मल इलाज ना हो सका। जहाँ पर आप रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप मानसेरा से आए हैं, मानसेरा के वहाँ के लोकल जहाँ जहाँ हॉस्पिटल में आपने गए हैं, इनको चेक करवाया है, तो क्या उन्होंने बोला है? सर वहाँ पे तो एक बड़ा हॉस्पिटल है आयुब मेडिकल, लेकिन वहाँ पे एक मुफ्त टेस्ट भी नहीं करवा ले किसी के, वहाँ पे इनका इलाज मैं गया हूँ काफ़ी दफ़ा, लेकिन इनका टेस्ट जो होते हैं ना वो भी नहीं करवाया उन्होंने सरकारी अस्पताल में। आप मुझे ये बताएं कि जैसा कि KPK से आपका ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, इमरान खान ने सेहत कार्ड यानी कि जारी किए थे, उस सेहत कार्ड पे अगर आप यानी कि इनका ट्रीटमेंट करवाएं? जी सेहत कार्ड पे तो मेरा अपना ऑपरेशन भी हुआ है 2 महीने पहले, लेकिन उस पर होता है कि जो बंदा ऑपरेशन के लिए दाखिल होता है तो उसके लिए होता है, जैसे इनको मेडिसिन देना पड़ता है तो ऐसा सिस्टम सेहत कार्ड में आई ये नहीं है। करते हैं, अस्सलाम वालेकुम खालिद। खालिद खालिद क्या हुआ तुम्हें? अच्छा अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम? शम्मा। शम्मा आप कहाँ से आई हैं? मानसेरा से आई हैं। अच्छा आपको क्या, आपको क्या मसला होता है, क्या तकलीफ होती है? मेन मसला ये है कि मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से ये अपील करता हूँ कि मैं स्पीकर साहब के, राजा परवेज अशरफ साहब के पास, स्पीकर साहब के चैम्बर में ये बच्चे लेकर गया हूँ दोनों तकरीबन 2 महीने पहले। तो मैंने स्पीकर साहब को सब बातें बताई हुई हैं, लेकिन उसने मुझे कहा था कि मैं वज़ीर आज़म साहब को बताऊँगा, लेकिन उन्होंने अभी तक ना मुझे फ़ोन किया है ना उन्होंने बताया। तो मेरी सर ये अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से कि सर वो हमारी इनकी रिपोर्ट देखें और इनका ज़िंदगी का मसला है, मेरा और कोई औलाद भी नहीं है, ये सर मेरी ये बच्चे हैं दोनों। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से ये अपील करता हूँ कि वो मेरी अगर ये सुने तो उस पर नोटिस लें, और वफाकी हुकूमत से भी मेरी है और मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म साहब से लेकर के मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं उन तक भी मेरी अपील है कि वो भी हमारी किसी तरीके से मेरी फरियाद वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ तक पहुंचा दें सर। तो जी नाज़रीन जैसा कि अभी आपने देखा कि ये बच्चा जो है ना खालिद है, साथ जो है ना शमा बैठी हुई है, इनकी जो है ना ग्रोथ रुकी हुई है, इस वजह से जो है ना इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है, ये ठीक तरीके से चल नहीं सकते सही तरीके से। अभी आपने देखा कि मैंने इससे बात करने की भी कोशिश की खालिद से, तो ये जो है ना ठीक तरीके से बोल भी नहीं पाता। तो अगर कोई भी ये वीडियो अगर किसी हुक्मरान तक पहुँचती है, इसको जो है ना ख़ासकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब उन तक पहुँचाएँ ताकि इनकी दादरसी हो सके, इनका जो है ना प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट हो सके। वालिद इतने हैं वो खुद जो है ना मजदूर हैं जो कि इनका जो है ना इलाज माल जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑलरेडी इनका भी एक ऑपरेशन हुआ है और वो भी सेहत कार्ड पे। तो इस वजह से जिससे जो भी अगर किसी कोई मुखय्यर हजरात है इनका कॉन्टेक्ट नंबर इनसे मैं पूछ लेता हूँ, तो जो भी है तो वो इनको इनके साथ रब्ता करके जो भी इनकी हेल्प करना चाहे वो कर सकता है। आप अपना नंबर बोल दें जी। 0313-5812-965 0313-5812-965 ये मेरा रब्ता नंबर है सर। रब्ता नंबर है। आपका मानसेरा का इलाका कौन सा है? हम सर मानसेरा और रुगी के दरमियान में रहते हैं। अलागा हमारा ज़िला गांव का नाम डबीमार है, ज़िला तहसील और मानसेरा हमारा मानसेरा ही है सर, ज़िला और तहसील हमारा मानसेरा है, मानसेरा के करीब हम रहते हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक ज़िला
मानसेर से है, तहसील भी हमारा मानसेर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नहीं नज़रें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि इनकी आवाज़ जो है ना हो हमारे भले तक पहुँचे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह ने इकबाल।